हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 से रिलेटेड टिल क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 21 सब क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 सब क्वेश्चन थे और उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। और आज मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि थर्ड क्वेश्चन। तो आज आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो मैं स्टार्ट करता हूं, देखो क्वेश्चन नंबर 1 से थर्ड का। तो थर्ड सब क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 देखो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स दिया है ब्रैकेट के बाहर। सी ईयर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ब्रैकेट में आपको टर्म्स दिए रहेंगे और ब्रैकेट के बाद ई रेस टू एक्स रहेगा। तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, पहले मैं वो फार्मूला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखो यहाँ पर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू ब्रैकेट में एफ ऑफ एक्स रहता है प्लस एफ डैश ऑफ एक्स रहता है और यहाँ पर इंटू डी एक्स रहेगा। अगर आपको ये टाइप का इंटीग्रेशन दिया है तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, हम लिखते हैं ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फार्मूला मैंने आपको दिया है और मैंने फार्मूले को प्रूफ भी किया था कैसे आया है, वो बहुत ही सिंपल है। ई रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाहर रहेगा ब्रैकेट के, बट कंडीशन है एक्स यहाँ पर लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ठीक है। ब्रैकेट में दो फंक्शन रहेगा, एक तो एफ ऑफ एक्स है, दूसरा उसका डेरिवेटिव है, यानी कि दो फंक्शन एडिशन में रहेगा, एक फंक्शन रहेगा दूसरा उसका डेरिवेटिव रहेगा। फॉर एग्जांपल सपोज यहाँ पर ई रेस टू एक्स है और ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स है प्लस कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स क्या रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव रहेगा। तो अगर ये टाइप में क्वेश्चन रहता है तो उसका इंटीग्रेशन होता है ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय द फंक्शन एंड प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो थर्ड सब क्वेश्चन है इसमें हमें यही फार्मूला यूज़ करके, दैट मीन्स ये फार्मूला अप्लाई करके हमें एंटायर थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर। सो आई इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स मल्टीप्लाइड है तो मैं इसे प्रॉपर ऑर्डर में आगे लिख लेता हूँ। और यहाँ पर देखो क्या दिया है आपको, टू प्लस यहाँ पर दिया हुआ है कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स और ब्रैकेट क्लोज इनटू डीएक्स। बहुत ही सिंपल है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ये टू प्लस कॉट एक्स है ना, अगर मैं टू प्लस कॉट एक्स को देखो ऐसे एक ब्रैकेट में लिख दिया, बीच में मैं प्लस दे देता हूँ और ये माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स को मैं देखो सेपरेट लिख देता हूँ दिस वे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो 2 प्लस कॉट एक्स है अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे सेम थिंग मिलेगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, बिकॉज 2 का डेरिवेटिव 0 होता है और कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले में कन्वर्ट होगा आपका। तो ये जो फंक्शन है फर्स्ट ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स हो गया प्लस ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ये आपका एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा आई इक्वल टू ई रेस टू एक्स लिखना है और ये एफ ऑफ एक्स को लिखना है, दैट मीन्स 2 प्लस कॉट एक्स और लिख दो यहाँ पे प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, तो बहुत ही सिंपल है, सॉल्व हो गया ये। देखो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स। तो ब्रैकेट के बाहर आपको ई रेस टू एक्स दिया हुआ है लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो है ना ये रैशनल फंक्शन है, टिग्नोमेट्री का रैशनल फंक्शन है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब टिग्नोमेट्री आ गया मतलब वहाँ पर टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तो यूज़ होगा, उतना तो कन्फर्म है। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके उसको दो फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, एक एफ ऑफ एक्स रहेगा और दूसरा एफ डैश ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव रहेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पर सो दिस आई कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ ये देखो 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है ऐसे लिखता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है देखो टिग्नोमेट्री का, हमें मालूम है 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये फॉर्मूला आपको पता है। और 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ करते हैं हम एक्स बाई 2, ये फॉर्मूलेज हैं टिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूले। तो मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 2, दिस इज कॉस स्क्वायर
एक्स बाई टू इंटू देखो डी एक्स हो गया। अब इसे हम सेपरेट कर देंगे, ठीक है। सो दिस इज इक्वल, और ये e raise to x तो आपको ऐसे लिखना है यहाँ पर, नो इशू। सो दिस इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ e raise to x को मैं आगे लिख देता हूँ और ये ब्रैकेट के अंदर ही लिखो आप, ठीक है। 1 plus sin x, हाँ ये ब्रैकेट के अंदर रखो आप, तो सेपरेट कर दो। 1 upon हो जाएगा ये, 2 cos square x by 2 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर ये sin x upon this is 2 cos square x by 2 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर dx लिख दो। सिंपली मैंने सेपरेट किया, 1 को डिवाइड किया 2 cos square x by 2 से और sin x को डिवाइड किया 2 cos square x by 2 से। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ देखो e raise to x ब्रैकेट 1 by 2 तो वैसे ही रहने वाला है, 1 upon cos square x by 2 आपको मालूम है 1 upon cos x इक्वल टू होता है sec x, तो 1 upon cos square x by 2 हो जाएगा sec square x by 2 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पर sin x है और यहाँ पे अपॉन में cos square x by 2 है, तो sin x का भी हाफ एंगल फार्मूला है अपने पास। sin x का हाफ एंगल फार्मूला होता है 2 sin x by 2 इंटू हम लिखते हैं cos x by 2, ये sin x का हाफ एंगल फार्मूला है, पता होना चाहिए आपको। और ये अपॉन में 2 cos square x by 2 एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इंटू डी एक्स लिख दो। सिंप्लीफाई करते जाना हमें, इंटीग्रेशन ऑफ e raise to x ब्रैकेट देखो ये हाफ इंटू sec square x by 2 में एज इट इज़ लिखता हूँ, प्लस ये 2 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ पे cos square x by 2 है, दैट मीन्स cos x by 2 इंटू cos x by 2 है, तो ये cos x by 2 और ये स्क्वायर चला जाएगा, बचता क्या आपका है sin x by 2 upon cos x by 2, तो ये हो जाएगा देखो आपका tan x by 2, ब्रैकेट क्लोज, इंटू dx। और थोड़ा मैं मॉडिफाई करता हूँ, इंटीग्रेशन e raise to x देखो ब्रैकेट यहाँ पर, tan x by 2 को मैं आगे लिख देता हूँ, जस्ट रीअरेंज करता हूँ मैं, प्लस देखो यहाँ पर, और ये हाफ इंटू sec square x by 2 इंटू डी एक्स। नाउ सी, अगर आप ये ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म्स को ठीक से ऑब्जर्व करोगे तो ये tan x by 2 है, अगर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको मिलेगा sec square x by 2, बिकॉज tan x का डेरिवेटिव होता है sec square x, तो tan x by 2 का डेरिवेटिव आएगा sec square x by 2, इंटू करते हैं हम d/dx of x by 2, तो वो हाफ हो जाएगा, यानी कि इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव देखो यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हो गया आपका f(x) और ये हो गया आपका f'(x), और बाहर e raise to x तो है ही, तो फार्मूला यूज जाएगा डायरेक्ट, तो इसका आंसर आएगा i = e raise to x इंटू f(x) आता है, यानी कि tan x by 2, और ये प्लस c हो जाएगा, तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। फार्मूला कौन सा यूज़ किया है मेंशन कर दो आप, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e raise to x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) इंटू dx इज इक्वल टू होता है e raise to x इंटू f(x) प्लस c। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया ये। देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e raise to x ब्रैकेट में 1 upon x माइनस 1 upon x² है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 upon x है, तो आपको मालूम है 1 upon x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 upon x² यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं एक स्टेप देखो थोड़ा प्रॉपरली लिख देता हूँ e raise to x, और ये देखो ब्रैकेट में 1 upon x हमें प्लस चाहिए रहता है, बिकॉज दो फंक्शन के बीच में प्लस आएगा, एक f(x) रहता है और दूसरा उसका डेरिवेटिव रहता है, तो बीच में एडिशन चाहिए, तो मैंने ये प्लस लिख दिया, और ये जो माइनस का टर्म है मैं देखो ब्रैकेट में लिख देता हूँ दिस वे, और ये हो जाएगा आपका dx। अब अगर आप 1 upon x का डेरिवेटिव निकालोगे तो एग्जैक्ट माइनस 1 upon x² आएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 upon x का डेरिवेटिव माइनस 1 upon x², तो ये हो गया हमारा f(x) और ये हो गया f'(x), बीच में प्लस है, ब्रैकेट के बाहर e raise to x है, तो फॉर्मूला आएगा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e raise to x इंटू f(x) आता है, मीन्स 1 upon x प्लस c, या तो फिर आप इसको लिख दो e raise to x upon x प्लस c, ये हो गया आपका सम सॉल्व। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है साइड में मेंशन कर दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e raise to x ब्रैकेट f(x) प्लस f'(x) इंटू dx इज इक्वल टू हो जाएगा e raise to x इंटू f(x) प्लस c, आपका सम सॉल्व हो गया। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर है x upon x plus 1 द होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर लिखा है इंटू e raise to x इंटू dx, तो ब्रैकेट के बाहर e raise to x आ गया, मतलब ये फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 में यूज़ किया है।
थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स को मैं देखो पहले लिख देता हूँ, और यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर है, तो हमें इसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट एक एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर x प्लस वन है ना, तो मैं थोड़ा एडजस्टमेंट करता हूँ, x प्लस वन लिखता हूँ और माइनस वन, ये वैसे देखो मैंने एडजस्टमेंट किया न्यूमरेटर में, x प्लस वन द होल स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर इंटू देखो dx दिया हुआ है, तो जस्ट मैंने क्या किया, वन को ऐड किया और सब्ट्रैक किया, क्वेश्चन आपका चेंज नहीं होगा बिकॉज प्लस वन माइनस वन अल्टीमेटली ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो न्यूमरेटर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो टर्म आ गया, तो मैं अभी स्प्लिट कर दूंगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स एज इट इज़ रहेगा, और इसको दो पार्ट में देखो मैं डिवाइड कर रहा हूँ, एक्स प्लस वन अपॉन यहाँ पर है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस देखो यहाँ पर वन अपॉन एक्स प्लस वन का ये होल स्क्वायर इंटू हो गया देखो आपका ये डी एक्स। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस वन और ये होल स्क्वायर जाएगा, तो हमें मिल रहा है वन अपॉन एक्स प्लस वन मिल रहा है, यहाँ पर माइनस है, लेकिन आपको मालूम है जब ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो एक एफ ऑफ एक्स होता है फिर दूसरा प्लस एफ डैश ऑफ एक्स होता है, तो मैं बीच में देखो यहाँ पे प्लस लिख देता हूँ और ये टर्म को मैं ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ माइनस को, तो माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट और इंटू देखो यहाँ पर है डी एक्स। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ब्रैकेट के अंदर का ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, अगर मैं इसको f ऑफ x ले लूँ तो ये उसका f डैश ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव आपको ये सेम थिंग मिलेगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है डेरिवेटिव का, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का भी डेरिवेटिव सेम थिंग आएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर, तो ये f ऑफ x हो गया और ये आपका f डैश ऑफ x हो गया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बाहर e रेज टू x है तो आंसर आता है e रेज टू x इंटू f ऑफ x, जहाँ पर f ऑफ x है वहाँ पर लिखोगे आप वन अपॉन x प्लस वन और प्लस c आएगा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है मेंशन कर दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x ब्रैकेट के अंदर f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, तो ये आपका फाइनल आंसर है, सॉल्व हो गया सम। ब्रैकेट के अंदर देखो यहाँ पे दो टर्म दिया है राइट, और ब्रैकेट के बाहर है देखो यहाँ पर ई रेज टू एक्स दिया है, तो हमें ब्रैकेट के बाहर सिर्फ ई रेज टू एक्स चाहिए, ये जो अपॉन में एक्स है ना वो हम ब्रैकेट के अंदर ले जा कर के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू एक्स इंटू ब्रैकेट के अंदर, ये देखो x इंटू लॉग एक्स और ये होल स्क्वायर है, अपॉन में x जब आपका ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों भी टर्म्स को वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये x यहाँ पे जा रहा है देखो अपॉन x हो गया प्लस दिस इज 2 इंटू लॉग x, x यहाँ पर जा रहा है अपॉन में x हो गया इंटू डी एक्स, नाउ दिस x एंड दिस x हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा देखो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इंटू ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमारा देखो यहाँ पर log x द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है 2 टाइम्स log x डिवाइड बाय x, थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व करना है दोनों टर्म्स को, सी देखो अभी ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा ना एग्जैक्ट मुझे मिल जाएगा, मैं करके आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ यहाँ पर लिखता हूँ मैं log x का होल स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन यूज़ कर सकते हैं हम लोग x रेज टू n का फॉर्मूला, x के प्लेस पे क्या दिया है log x दिया हुआ है, x का कंपोजिट फंक्शन है, तो x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो ये 2 आगे आ जाएगा 2 log x हो जाएगा, इनटू करना पड़ता है हमें d बाय डी एक्स ऑफ log x, फॉर्मूला तो आपको पता ही है डिफरेंशिएशन का अच्छी तरह से हमने किया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा ये देखो आपका 2 log x हो गया इनटू d बाय डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, या सिंपली हम इसे लिख सकते हैं 2 log x डिवाइड बाय x हो गया, तो ये देखो हमें मिल गया d बाय डी एक्स ऑफ log x का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हमें मिल गया, देखो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ मुझे एग्जैक्ट देखो यही मिल रहा है 2 log x 2 log x अपॉन x मिल रहा है, सेम थिंग, दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये आपका f ऑफ x हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश ऑफ x, हम स्टैंडर्ड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, तो फार्मूला आपको पता ही है, तो देखो आपको आंसर मिलेगा आई इक्वल टू आंसर आता है ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं हम लोग, ये आपका एफ ऑफ एक्स है लॉग एक्स द होल स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आपका log x द होल स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दोगे आप प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला हम मेंशन कर देंगे, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x इनटू ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x इनटू dx इज इक्वल टू होता है e रेज टू x प्लस e रेज टू x इनटू f ऑफ x प्लस c। ये फॉर्मूला है, तो यही सेम फॉर्मूला हमने यूज़ किया यहाँ पर। ये आपका e रेज टू x है, ये f ऑफ x है प्लस f डैश ऑफ x है। तो ये सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल है ना। उसे देखो, सिक्स क्वेश्चन आपको दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x ब्रैकेट के अंदर दिया है 5x इंटू लॉग x प्लस 1 अपॉन x दिया है। तो ब्रैकेट के बाहर e रेज टू 5x दिया है, बट हमें फॉर्मूला यूज़ करने के लिए e रेज टू x चाहिए, तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो आई विल राइट हियर पुट 5x इक्वल टू, मुझे t लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 5 होता है, और t का डेरिवेटिव आएगा dt अपॉन dx। तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 5dx इक्वल टू dt मिल जाएगा, या तो हम इसे लिख सकते हैं dx इक्वल टू 1/5 इंटू dt भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यूटिलाइज कर लूँगा, तो स्टार्ट करता हूँ मैं इंटीग्रेशन। देखो आई से इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 5x को हमें t लेना है, ये e रेज टू t हो जाएगा। ब्रैकेट देखो आपका यहाँ पे 5x को हमने t अज्यूम किया है, तो ये t हो जाएगा इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या दिया है x। देखो 5x इक्वल टू t है, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा ना, x का वैल्यू मैं t बाय 5 लिख सकता हूँ। तो ये जो 5x को देखो हमने यहाँ पे t लिख दिया, और ये log ऑफ है, x के प्लेस पे क्या आएगा, x के प्लेस पे हमने लिख दिया t बाय 5, और यहाँ पर ये प्लस 1 तो एज इट इज़ रहेगा, और डिवाइड बाय सेम वे x के प्लेस पे हमने क्या लिख देंगे t बाय 5 हो जाएगा। आई थिंक ये समझा रहेगा आपको। और इंटू यहाँ पे क्या रहेगा आपका, dx को रिप्लेस कर दोगे उसके प्लेस पे आएगा 1/5 इंटू टी, तो मैं लिख देता हूँ 1/5 इंटू डी टी। दिस ये 5 और ये 5 तो हम इजिली कैंसिल कर सकते हैं, देखते हैं क्या बच रहा है यहाँ पर। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t है, फिर ब्रैकेट देखो यहाँ पर लिखा है t इंटू, दिस इज log ऑफ t अपॉन 5, यहाँ पर प्लस 1 है, डिवाइड बाई यहाँ पर तो ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पर आप लिख दो dt। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में दो टर्म आपको दिया है, तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ से देखो मिलेगा, ये हो गया आपका i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t है देखो यहाँ पर, और ब्रैकेट के अंदर मैं इसको स्प्लिट कर देता हूँ न्यूमरेटर को, तो ये मिलेगा आपको t इंटू, देखो यहाँ पर है log t अपॉन 5 है, और ये देखो डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका t आएगा, एंड देन यहाँ पर प्लस है, और ये देखो आपका 1/t हो जाएगा इंटू, हमें लिखना है dt। तो देखो ये t और ये t कैंसिल हो जा रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t ब्रैकेट में, दिस इज log ऑफ t अपॉन 5 प्लस देखो यहाँ पर है 1/t इंटू, देखो यहाँ पर dt है, ठीक है। अब यहाँ पे log t बाय 5 है, तो अगर मैं log t बाय 5 को डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे ये मिलना चाहिए, वैसा मुझे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इसका डेरिवेटिव निकाल के क्या आता है। देखो d बाय dt ऑफ, अगर मैं ये log t अपॉन 5 का डेरिवेटिव निकालूँगा तो क्या आएगा, आपको मालूम है log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log t बाय 5 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/t बाय 5 हो जाएगा, बट हमें इंटू करना पड़ता है d बाय dt ऑफ t बाय 5, रूल्स तो आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/t बाय 5 हो जाएगा इंटू, टी बाय 5 का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/5 होता है दिस वन, तो ये अपॉन में है, तो ये देखो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच रहा है 1/t आपको एग्जैक्ट मिल रहा है। दैट मीन्स अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा ये पार्ट का, अगर मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगा तो मुझे एग्जैक्ट देखो 1/t ही मिलने वाला है। तो ये जो फंक्शन है ये हो गया आपका f ऑफ t हो गया t का फंक्शन, और ये इसका डेरिवेटिव हो गया f डैश ऑफ t, फॉर्मूला आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा देखो आपको i इज इक्वल टू, आंसर आएगा आपका e रेज टू t इंटू f ऑफ t आता है। व्हाट इज f ऑफ t, f ऑफ t है log t अपॉन 5 है, और यहाँ पे लिख दो प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सम आपका सॉल्व हो गया है, जस्ट आपको t का वैल्यू यहाँ पर री सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम लिखेंगे i इक्वल टू, हमने t क्या लिया था, देखो हमने t लिया था 5x, तो ये हो जाएगा आपका e रेज टू 5x इंटू,
log ऑफ टी हमने लिया है 5x और ये अपॉन 5 है और ये प्लस सी, तो ये 5 हम कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा I इक्वल टू ई रेस टू 5x इंटू दिस इज log x प्लस सी। आपका सम देखो सॉल्व हो गया, फाइनल आंसर है, तो ये सिंप्लीफाइड आंसर आ गया इसका। नाउ इक्वेशन नंबर 7 देखो आपको दिया है, I इक्वल टू यहाँ पर इंटीग्रेशन है, हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, ई रेस टू साइन इनवर्स x इंटू ब्रैकेट में है x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। बहुत ही सिंपल है, बाहर देखो आपको ई रेस टू साइन इनवर्स x दिया हुआ है, बट हमें मालूम है कि ई रेस टू x होना चाहिए फार्मूला यूज़ करने के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x का फार्मूला यूज़ करने के लिए ई रेस टू x चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स x को मुझे t सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम देखो यहाँ पे पुट करेंगे, तो आई विल राइट हियर पुट साइन इनवर्स x, हाँ पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो इसको डिफरेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और t का डेरिवेटिव आएगा आपका dt बाय dx। मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे देखो dx मिल जाएगा, dx इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा ये dt, हम इसे यूटिलाइज करेंगे लेटर ऑन। अब मैं देखो इंटीग्रेशन आई से स्टार्ट करता हूँ, ये हो जाएगा देखो आपका आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स एक्स को हमने टी अज्यूम किया है बराबर इंटू ब्रैकेट देखो आपका यहाँ पर एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा डिवाइड बाई देखो यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर इंटू dx लिखा है, और dx को हमें क्या लिखना है, dx को हमें सब्स्टिट्यूट करना है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt, बिकॉज देखो हमने यहाँ पे dx निकाला हुआ है सी, तो आपका ये देखो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका देखो कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ पर हमें क्या बच रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी, और यहाँ पर देखो x है बट हमने क्या किया है फंक्शन को t dt में कन्वर्ट कर दिया है, तो हमें x को रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से। नाउ सी साइन इनवर्स x को हमने t लिया था, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, साइन इनवर्स वहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये देखो साइन t हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमें देखो यहाँ से साइन t मिल रहा है। अब ये x का वैल्यू मैं साइन t यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका साइन t प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स का वैल्यू साइन टी है, तो ये आपका साइन स्क्वायर टी हो जाएगा और इंटू देखो यहाँ पर dt हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी ब्रैकेट में देखो यहाँ पर साइन टी है और ये प्लस अंडर रूट, आपको मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पर लिखा हमने dt, सिंप्लीफाई करते जाओ तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू टी और यहाँ पर देखो ब्रैकेट में क्या मिल रहा है, यहाँ पर साइन टी है और ये देखो प्लस आपका रूट में कॉस स्क्वायर टी है, तो रूट जाएगा तो कॉस टी बच जाएगा आपका सिंपली यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस टी और यहाँ पर लिखना है आपको इंटू dt। अब ये ईजी हो गया, पहले के सम जैसे हो गया, साइन टी का डेरिवेटिव आपको मालूम है कॉस टी होता है विद रेस्पेक्ट टू टी, बाहर ई रेस टू टी है, तो ये जो फंक्शन है ये आपका f ऑफ t हो गया और ये फंक्शन हो गया आपका f डैश ऑफ t, तो डायरेक्ट आंसर आएगा फॉर्मूले से e रेस टू t इंटू f ऑफ t लिखते हैं हम लोग, f ऑफ t यहाँ पर साइन t है प्लस c, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मेंशन कर दो, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू t ब्रैकेट में f ऑफ t प्लस देखो यहाँ पर f डैश ऑफ t इंटू dt इक्वल टू होता है e रेस टू t इंटू f ऑफ t प्लस ये फॉर्मूला होता है, तो हमें मिल जाएगा फाइनल आंसर I इक्वल टू e रेस टू t का वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करना होगा, तो हमने t क्या लिया देखो यहाँ पे साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा e रेस टू साइन इनवर्स x इंटू f ऑफ t, f ऑफ t कितना दिया देखो यहाँ पर साइन t है ये, तो ये हो जाएगा साइन और t का वैल्यू हमने क्या लिया हुआ है, t का वैल्यू हमने लिया हुआ है देखो यहाँ पर साइन इनवर्स x, तो साइन ऑफ ये देखो हो जाएगा आपका साइन इनवर्स x दिस इज प्लस c। एक स्टेप और सिंप्लीफाई होगा e रेस टू साइन इनवर्स x तो एज इट इज़ रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक का इनवर्स का प्रॉपर्टी है साइन और ये साइन इनवर्स निकल जाता है सिर्फ ये x बचता है और ये प्लस c, ये देखो आपका फाइनल आंसर है, सम सॉल्व हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के बाद। क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 प्लस एक्स आपको यहाँ पे दिया है,
तो यहाँ पर तो हमें e रेज टू x ऐसा कुछ नहीं है, दैट मीन्स हमने इसके पहले जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया है वो मेथड से तो ये नहीं आने वाला है, थोड़ा डिफरेंट यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन डाला है एक्सरसाइज में ये। सी हियर, मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ लॉग 1+x है, तो लॉग के बाद जो नंबर है, जो फंक्शन है, उसका देखो यहाँ पे पावर दिया है, तो हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी पावर में रहेगा लॉग के पहले आकर के ये इंटू हो जाता है, प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है ये, ठीक है। इसे बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब देखो ये 1+x हो गया इंटू लॉग 1+x हो गया। अब ये 1+x जो है वो अल्जेब्रिक फंक्शन है और ये लॉग 1+x आपका जो है लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी रूल से सॉल्व होगा, उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बिकॉज यहाँ पर दो डिफरेंट फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। फर्स्ट फंक्शन आपका अल्जेब्रिक फंक्शन है और सेकंड फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो मैंने आपको देखो रूल बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, लिएट का, LIAT। तो ये लिएट के ऑर्डर में जो पहले आता है उसे हम फर्स्ट फंक्शन अज्यूम करते हैं और जो बाद में आता है उसे हम सेकंड फंक्शन अज्यूम करते हैं। तो पहले अल्जेब्रिक आ रहा है, बाद में लॉगरिथमिक। देखो तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है आपका, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, बाद में आपका अल्जेब्रिक फंक्शन आ रहा है। तो इसे हम u लेंगे और इसे हम v लेंगे। सो दिस i इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, u इंटू वी इंटू यहाँ पे dx। एक बार फिर से मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है u इंटीग्रेशन ऑफ वी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u लिखते हम इंटीग्रेशन ऑफ वी dx और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे होल dx आता है। ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सो ये देखो जाएगा आपका आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, मैं थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेता हूँ, जो u है उसे पहले लिखता हूँ मैं, दैट मीन्स लॉग 1+x इंटू मैं लिखता हूँ 1+x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं हम लोग u इंटू वी रूल से। सो दिस इज़ u और ये आपका v हो गया। तो फॉर्मूला आपको पता है, मैंने लिखा है यहाँ पे फॉर्मूला। तो पहले u लेते हैं हम लोग, यानी कि log 1+x u, इंटीग्रेशन ऑफ v आता है, दैट मीन्स 1+x इंटू dx, माइनस आएगा इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ हम u लेते हैं, यानी कि log 1+x इंटू आता है इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट इज़ 1+x इंटू dx और ये ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पर लिखते हैं dx, ठीक है। देखो फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 1+x। हाँ ये देखो इंटीग्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, इंटीग्रेशन है, ये log 1+x हम ऐसे ही लिखते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1+x, तो यहाँ पे पावर में सपोज 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो 1+x रेज टू n, यानी कि हम x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे। x रेज टू n का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, x रेज टू n+1 अपॉन n+1, तो x के प्लेस पे क्या रहेगा 1+x, और अगर आप 1+x का डेरिवेटिव लोगे तो भी अपॉन में 1 आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1+x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1+x रेज टू n+1, यानी कि 2 हो जाएगा अपॉन n+1, 2 हो जाएगा। माइनस देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ log 1+x, तो log 1+x का डेरिवेटिव आएगा 1/1+x, हमें इंटू करना होता है d/dx ऑफ 1+x, तो 1 का तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1 आ जाएगा ये। अगेन देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन है 1+x, तो यहाँ पर भी मैं x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, तो ये हो जाएगा 1+x रेज टू 1+1 2 अपॉन देखो 2 हो जाएगा और इंटू ये dx। कुछ कैंसलेशन देखो हो सकता है यहाँ पे, ये 1+x और ये देखो आपका स्क्वायर जाएगा, बसता क्या है देखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 1+x द होल स्क्वायर अपॉन 2 को पहले लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, ये हो जाएगा 1+x द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर है देखो log ऑफ 1+x हो गया, माइनस देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या बच रहा है आपका यहाँ पर 1+x और यहाँ पर डिवाइड बाई 2 इंटू dx बच रहा है देश। अब तो इसका इंटीग्रेशन निकालना बहुत ही ईजी है। तो नेक्स्ट स्टेप देखो आएगा आपका 1+x द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एज इट इज़ और ये आपका देखो लॉग है 1+x है माइनस 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। 1+x का इंटीग्रेशन अगेन आप निकाल सकते हो x रेज टू n के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा आपका 1+x रेज टू n+1 यानी कि 2 अपॉन 2 आएगा और यहाँ पर लिख दो प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और मैं एक स्टेप लिख देता हूँ देखो यहाँ पर,
ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, देखो यहाँ पर है लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस, आप इसको देखो क्या कर सकते हो, 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर डिवाइड बाय आप 4 भी कर सकते हो प्लस सी। अगर आपने यहाँ तक लिखा तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट अगर आपको और मॉडिफाई करना है तो कॉमन ले लो, फिर आप ये स्टेप के बाद ही कॉमन ले लो, ये स्टेप मत लिखो, 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2, और सेकेंड टर्म में भी देखो 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 है, तो मैं 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बचेगा माइनस, ये कॉमन गया है हाफ बचेगा, और ये प्लस सी, आपका सम सॉल्व हो गया। और सिंप्लीफाई करना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर 2 2 4 हो जाएगा, तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन अपने ऊपर रहता है, बट आपका स्टेप्स राइट होना चाहिए, मेथड आपका करेक्ट होना चाहिए। आप यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते हो, आपके ऊपर है कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है उसको। तो ये फाइनल आंसर है, आपका सम सॉल्व हो गया। हम तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिक, कॉसिक का एंगल देखो लॉग एक्स दिया है, और यहाँ पर देखो आपको कॉट का एंगल लॉग एक्स दिया है। आपको मालूम है कि साइन कॉसिक कॉसिक एंगल जो है ऑलवेज लीनियर फंक्शन होता है, तो यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शन दे दिया एंगल। तो क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कि हमें लॉग एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आई विल राइट हियर पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी हो जाएगा। आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, लॉग एक्स दिया है तो बेस नहीं दिया है, तो जब बेस नहीं दिया रहता है तो बेस ऑलवेज ई होता है, हम बोलते हैं उसे नेचुरल बेस। तो यहाँ पे लॉग एक्स टू द बेस ई इक्वल टू टी हो गया, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो लॉग के बाद जो टर्म रहेगा वो लिखना है इक्वल टू, ये बेस में है तो बेस में रहेगा, और इक्वल के बाद ये पावर में चला जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है एक्चुअली लॉगरिथम का डेफिनेशन है। अब हम देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सी। अब मैंने यहाँ पे पुट कर दिया लॉग एक्स इक्वल टू टी, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करके वहाँ से डी एक्स फाइंड आउट करूँगा। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी को, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 आएगा, और ई रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू टी आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको डी टी बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे डी एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ई रेस टू टी इंटू डी टी। ये समझा रहेगा आपको, सिंपली मैंने क्या किया है, एक्स इक्वल टू ई रेस टू टी को डिफरेंशिएट किया बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स 1 हो गया, e रेस टू t का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, e रेस टू t, बट इंटू करना पड़ेगा dt by dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे dx मिल गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन i से, तो देखो क्या हो जाएगा आपका, ये i इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ cosec, log x को हमने t लिया था तो cosec t हो जाएगा, इंटू देखो ब्रैकेट में 1 माइनस, ये देखो cot, log x को t लिया है तो t हो जाएगा, इंटू dx को रिप्लेस करके मैं क्या लिखूंगा, e रेस टू टी इंटू डी टी हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू टी को मैं आगे देखो लिख देता हूँ e रेस टू टी ब्रैकेट, अब ये कॉसिक टी से मैं ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो कॉसिक टी इंटू 1, तो हमें मिलेगा यहाँ पर कॉसिक टी मिल जाएगा माइनस कॉसिक टी इंटू कॉट टी, ये देखो हो गया आपका कॉसिक टी इंटू कॉट टी क्लोज ब्रैकेट इंटू डी टी। थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मुझे ये फार्मूला मिल जाएगा, देखो कॉसेक टी को ऐसे लिखता हूँ मैं, बीच में प्लस दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी, ठीक है, यहाँ पे कॉट टी है और ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे लिखेंगे हम डी टी। आपको पता है कि कॉसेक टी का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक टी का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आएगा माइनस कॉसेक टी इंटू कॉट टी, तो ये f ऑफ t हो गया, और ये पूरा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो गया f डैश ऑफ t, और ब्रैकेट के बाहर आपको e रेस टू t दिया है, dt दिया है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो आ जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू e रेस टू t इंटू आएगा f ऑफ t, दैट मीन्स cosec t, और यहाँ पे लिखेंगे हम प्लस c। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया मेंशन कर दो, सिंस e रेस टू t ब्रैकेट f ऑफ t प्लस f डैश ऑफ t डी टी इक्वल टू होता है e रेस टू t इंटू f ऑफ t प्लस c, ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया।
तो आपका ये आंसर है, बट आपको टी का वैल्यू यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो देखो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे हम, आई इक्वल टू ई रेज टू टी, और ई रेज टू टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया इन टू कॉसेक, टी की जगह पे क्या लिया था हमने, देखो यहाँ पे लॉग एक्स, तो कॉसेक लॉग एक्स प्लस सी, आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है। आपका एक्सरसाइज 3.3 कम्प्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 3.4, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखना मत भूलना, और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, अंडरस्टैंड हुआ रहेगा, इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम लोगों को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।